जिसपे जो चार्ज है वो ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है वो है डेल्टा वी इज इक्वल टू तो हंड्रेड वोल्ट तो हमने फाइंड करना है इनर्जीवायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आपके पास जो इक्वेशंस हैं जो इनर्जी एक्वायर्ड है उसके लिए फार्मूला है ई इज़ इक्वल टू डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाई क्यू ई इज़ इक्वल टू क्यू इन डेल्टा वी ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपने प्रीवियस लेक्चर में निकाली है जो कि आपने जिसका रिजल्ट था डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क ओवर क्यू या ई ओवर क्यू वर्क का यूनिट भी जॉल होता है एनर्जी का यूनिट भी जॉल होता है तो ये आपके पास डेल्टा वी जो कि पोटेंशियल डिफ्रेंस था जिसकी डेफिनेशन क्या थी कि वर्क ऑन अ चार टू ब्रिंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल या ए पॉइंट टू बी पॉइंट तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो सा है ये क्यू की वैल्यू भी गिवन है डेल्टा वी की भी वैल्यू गिवन है इनकी वैल्यू पुट कर दें आपके पास क्यू आपके पास ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन है डेल्टा वी आपके पास हंड्रेड वोल्ट है तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके यहाँ आप पास आंसर आता है टू थाउजेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको आप साइंसटिफिक मेथड में भी लिख सकते हो टू क्रास टेंट टू एज पावर थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके स्टूडेंट आई होप कि ये आपके लेक्चर समझ आया होगा थैंक यू वेरी मच